हेलो वेलकम नमस्ते, मेरा नाम निधि है। पिछली बार जब मैं आपसे मिली थी ना, तो मैंने आपसे कुछ बातें की थी, और वो बातें थी आपकी चॉइस की, आपका प्रेफरेंस, यानी कि आपका चॉइस, आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, किसी को कैसे बताओगे कि मुझे ये पसंद है और मुझे ये पसंद नहीं है। ये बातें मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी, और आपकी अगर पसंद ना पसंद फिट हो गई हो, तो आज मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक कहानी सुनाओ। कैसे सुनाओगे कहानी? वैसे मैं यहाँ बैठ के तो नहीं सुन सकती आपकी बातें, लेकिन क्या कहोगे अगर मैं कहूँ कि मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको कोई कहानी कैसे सुनानी है? टेंशन मत लो, मैं आपको स्टोरी टेलर में नहीं कन्वर्ट कर रही हूँ, उतनी दूर तक नहीं जा रही हूँ। लेकिन क्या आप अपने दोस्तों से बातें नहीं करते? क्या आप अपने ऑफिस में किसी से बातें नहीं करते कि जब आपके साथ कुछ हुआ है और आप उन्हें बताना चाहते हो, और अगर यही चीज़ आप इंग्लिश में करना चाहो तो कैसे करोगे? आज का क्लास उस बारे में है। तो नैरेटिंग होता क्या है? आज के क्लास का नाम ही नैरेटिंग है, नैरेशन है। तो ये होता क्या है? नैरेटिंग का मतलब है जब आप किसी को बताते हो कोई ऐसी चीज़ के बारे में कि जो हो गई, कोई पास्ट का इवेंट, आपका कोई एक्सपीरियंस, या फिर हो सकता है आपने कोई सपना देखा हो, उसके बारे में बताना भी तो अच्छा लगता है। तो सपना तो हो गया, अब आपको इसके बारे में बताना है। तो एक चीज़ तो ये होती है कि जब हम कोई चीज़ नैरेट करते हैं, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि आप पास्ट के एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो, तो सबको ऐसा लगता है कि हम पास्ट टेंस में ही बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, ज़्यादातर केसेस में हम पास्ट टेंस में बात करते हैं, लेकिन अगर आपको स्टोरी में और ज़्यादा जान डालनी हो ना, तो आप कई बार प्रेजेंट टेंस में भी बात करते हो। जैसे कि कभी कभी अगर, जैसे मुझे अगर आपको कोई इंसिडेंट समझाना है, ठीक है, तो मैं बोलूँगी तो मैं यहाँ खड़ी हूँ और ये यहाँ खड़ी थी और मैंने इसको धक्का दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने शुरू कैसे किया, मैं यहाँ खड़ी हूँ और फिर क्या बोला, ये यहाँ खड़ी थी और मैंने इसको धक्का दिया। तो मैं क्या कर रही हूँ, पास्ट प्रेजेंट पास्ट में मैं शिफ्टिंग कर रही हूँ। तो ऐसा भी नैरेशन होता है, आप चाहो तो ये चीज़ ट्राई कर सकते हो। टेंसेस आपका कॉल है, आपको जो टेंस यूज़ करना है पास्ट या प्रेजेंट में से आप कर सकते हो, फ्यूचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे आपको, क्योंकि कोई चीज़ जो हो गई है उसकी बात कर रहे हैं। कैसे करना है ये मैं आपको ज़रूर बता सकती हूँ। तो नैरेशन कैसे करना है और क्यों सीखना चाहिए ये मैं आपको बता सकती हूँ। सीखना तो इसीलिए चाहिए क्योंकि इससे सिर्फ ये नहीं होता कि आप लोगों को कहानियाँ बताते हो, इससे ये होता है कि आप अच्छी तरीके से उन्हें कहानियाँ बताते हो। पता है ना, हर ग्रुप में एक ना एक दोस्त ऐसा होता ही है कि जो जब जोक बताता है ना, तो जोक का मज़ा ही ख़त्म हो जाता है, किसी को हंसी नहीं आती है। बात जोक में नहीं होती है, बात जोक बताने के तरीके में होती है। क्यों इतने कॉमेडियंस चल जाते हैं? क्योंकि इनके जोक बताने का तरीका ही ऐसा होता है कि आपको हंसी आ जाती है। स्टोरीज में भी कुछ ऐसा ही होता है। क्यों कुछ पिक्चरें हिट और कुछ फ्लॉप हो जाती है? क्योंकि कुछ पिक्चरें स्टोरी अच्छे से बता पाती है और कुछ पिक्चरें नहीं बता पाती, इसीलिए वो फ्लॉप जाती है। तो अब आप एक इंसान हो जो स्टोरी बताना चाहता है, जो कोई चीज़ उनके साथ हुई है वो बताना चाहता है, और अगर आप अच्छे से बताओगे तो क्या होगा, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। कॉलेज में, स्कूल में, ऑफिस में, कहीं पर भी जाओगे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, लोगों को आपकी बात सुनने का मज़ा आएगा। तो लोगों का ना एक इंटरेस्ट बढ़ जाएगा कि ये बोल रहे हैं, सुन के आते क्या बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सत्संग करने लग जाओगे, लेकिन कभी भी दोस्त बनाने हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि आप इजीली किसी से भी बात कर पाओगे, उनको अपनी लाइफ के बारे में चीज़ें शेयर कर पाओगे, इसीलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी से शुरू करते हैं नैरेशन का किस्सा। सबसे पहली चीज़ तो ये समझना ज़रूरी है कि नैरेशन करने के लिए आपको किस टाइप की लैंग्वेज, किस टाइप की स्पीच यूज़ करनी चाहिए। तो इंग्लिश में ना बेसिकली दो टाइप की स्पीच होती है, एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच और एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब तो जानते हैं ना, डायरेक्ट मतलब एकदम डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब है एकदम सीधा साधा, जैसा है वैसा ही, कहते हैं ना डायरेक्ट बात करो, जो है मुंह पे बोलो। तो डायरेक्ट स्पीच भी कुछ ऐसी है, डायरेक्टली आप बात करोगे, जो है मुंह पे बता दोगे। इनडायरेक्ट स्पीच में भी आप बताते हो, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के बताते हो, इसलिए उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। क्या फ़र्क है ये मैं समझा देती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच की। मैंने आपको बोला कि सीधा सीधा बात करनी हो तो डायरेक्ट स्पीच बोलो, मतलब डायरेक्ट स्पीच वो होती है कि जब मैं अगर आपको कुछ बता रही हूँ तो मैं एग्जैक्टली वैसे ही बता रही हूँ जैसे कि हुआ,
मतलब एक इंसान ने कुछ भी बोला तो मैं एग्जैक्ट उसका डायलॉग जो था वो यूज करके आपको बता रही हूँ, उसका टोन, उसका डायलॉग सब कुछ कॉपी करके मैं आपको कहानी बता रही हूँ। कॉमेडियंस जनरली डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं क्योंकि डायरेक्ट स्पीच यूज़ करते हैं क्योंकि वो हमें इमिटेट करके दिखाते हैं, हमें कॉपी करके दिखाते हैं कि मेरे पापा ने तो ऐसा बोला, मेरी मम्मी ने तो ऐसा बोला, और उस बात पे हमें हंसी आती है। तो डायरेक्ट स्पीच का वो काम है सामने वाले इंसान को एकदम फील करवाता है कि वो वहीं पे बैठा है या बैठी है। तो जैसे अगर मैं बोलूँ शी सेड आई एम गोइंग टू द पार्टी, तो आप देख रहे हो मेरा टोन कैसे चेंज हो रहा है क्योंकि शायद वो ऐसे बात करती है, आई एम गोइंग टू द पार्टी। तो मैं शी सेड तो मेरी आवाज़ में बोल रही हूँ पर आई एम गोइंग टू द पार्टी उसकी आवाज़ में बोल रही हूँ। अब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप उसकी ही आवाज़ में बोलो, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपको इमिटेट करना ही है, लेकिन एटलीस्ट आपका टोन उसके जैसा होना चाहिए कि जैसे अगर किसी ने गुस्से में कुछ कहा या हंस के कुछ कहा तो आपको वो यूज़ करना पड़ेगा। लिखने में कैसे यूज़ होता है, लिखते वक्त डायरेक्ट स्पीच में हम इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं, जो कि अभी आपने देखा इन्वर्टेड कॉमास, दो कॉमास होते हैं ऊपर की तरफ, तो उससे पता चलता है कि ये डायलॉग है। अगर आप कोई भी बुक पढ़ोगे ना तो आपको ये इन्वर्टेड कॉमास दिखेंगे ही दिखेंगे क्योंकि बुक्स होती है ना वो ज़्यादातर डायरेक्ट स्पीच में ही लिखी जाती है। आप डायलॉग पढ़ते हो किसी का, अगर आप बोलते वक्त डायरेक्ट स्पीच यूज़ करना चाहते हो तो या तो अपनी आवाज़ का टोन चेंज करो कि पता चले सामने वाले को कि आप डायलॉग बोल रहे हो किसी और का, या फिर वो डायलॉग बोलने से पहले एक सेकंड का पॉज लो। शी सेड आई एम गोइंग टू द पार्टी, अब मैंने पूरा अपनी आवाज़ में बोला, मैंने उनकी आवाज़ नहीं ली, मैंने टोन चेंज नहीं किया, लेकिन शी सेड के बाद मैंने एक छोटा सा पॉज लिया, एक कॉमा का पॉज लिया, तो आपको पता चल गया कि अब जो मैं आई बोलूंगी ना वो मेरे लिए आई नहीं है, वो उसके लिए आई है, उसने ऐसा बोला था। तो आपको पता चल जाएगा कि ये डायरेक्ट स्पीच में मैंने बात करी। इसके कुछ तो रूल्स होते हैं जो हम फॉलो करेंगे, इंग्लिश ग्रामर में रूल्स की कमी नहीं है, लेकिन लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों है, किस लिए है। तो पहला रूल तो ये है कि एक रिपोर्टिंग वर्ब होना चाहिए। रिपोर्टर देखे है ना आपने, आज हम इस न्यूज़ चैनल से बात कर रहे हैं, इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एक रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहा है। तो जब आप किसी और को कुछ बता रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप बातें रिपोर्ट कर रहे हो, जो हो गया वो उनके बता रहे हो, तो आप उनके खबरी हो जैसे। तो क्योंकि आप बातें रिपोर्ट कर रहे हो तो वो करने के लिए जो वर्ड्स को मैं यूज़ करूँगी उनको मैं बोलूँगी रिपोर्टिंग वर्ब्स। ये लॉजिक है सबसे पहला। तो इसकी ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि सामने वाले इंसान को पता चलना चाहिए कि जिसकी बात की खबर आप दे रहे हो वो इंसान कर क्या रहा था। तो हर एक जगह पे मैं शी सेड या शी टोल्ड नहीं बोलूँगी, कई जगहों पे मैं बोलूँगी शी लाफ्ड, शी क्राइड, शी आस्ट, ऐसे सब वर्ड्स भी मैं यूज़ कर सकती हूँ ताकि सामने वाले को पता चले। हिंदी में हम बोलते हैं ना, उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रही हूँ, तो उसने मुझसे पूछा। कई बार मैं कहती हूँ उसने मुझसे कहा, तो ये पूछा कहा हिंदी के रिपोर्टिंग वर्ब्स है, वैसे ही इंग्लिश में भी होते हैं, बस यही फ़र्क है। तो जैसे अगर मैं बोलूँ आई डोंट वॉन्ट टू गो शी क्राइड, मतलब रोते रोते उसने बोला मुझे नहीं जाना। जब मैं बोल रही हूँ तो देखिए आप यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसीलिए मैं थोड़ा टोन अप करके बोल रही हूँ और मैं एकदम रोने वाली आवाज़ में बोल रही हूँ, क्योंकि वो रो रही थी तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी रोने लग जाऊं, लेकिन कम से कम मैं उसकी आवाज़ थोड़ी बहुत इमिटेट कर रही हूं ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि उसने ऐसे बोला था मुझे। आई डोंट वॉन्ट टू गो शी क्राइड, तो शी क्राइड मैं अपनी आवाज़ में बोलूंगी ताकि उससे पता चले सुनने वाले को कि वो रो रही थी या उसने चिल्लाया। अब ये जो हम कोट्स में डालते हैं ना, ये इन्वर्टेड कॉमास में जो डालते हैं, उसके आगे हम सिर्फ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं आस्ट ही डालूं या क्राइड डालूं या लाफ्ट डालूं, हो सकता है कि मैं उसकी वॉइस क्वालिटी के ऊपर बोलूं, मैं बोल सकती हूं कि शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई, तो आपको पता चल जाएगा कि उसने चिल्लाया, क्योंकि हर बार मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं उसकी आवाज़ में ही आपसे बात करूं, और थोड़ा अजीब भी लगेगा कुछ जगहों पर, चल जाता है जब आप कोई स्टोरी बता रहे हो और आपके पास कोई ऐसे लेजेंडरी डायलॉग है कि उसने ऐसा बोला कि सामने वाले को इस पे हंसना है, तो वो चीज़ आप उनकी आवाज़ में कर सकते हो, लेकिन हर बार पॉसिबल नहीं होगा और फॉर्मल एनवायरनमेंट्स में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए आप मटर, स्क्रीम, विस्पर जैसे वर्ड से सामने वाले की वॉइस क्वालिटी समझा सकते हो। मटर करना मतलब वो मैं ऐसा बोल रही थी कि ना मुझे एक्चुअली थोड़ा कुछ करना है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना मैं क्या बोल रही हूँ क्योंकि मैं मटर कर रही हूँ, मन मन में बोल रही हूँ।
चिल्लाने का मतलब मैं नहीं समझाऊंगी, क्योंकि अगर अभी चिल्लाऊंगी तो आपके कान फट जाएंगे, लेकिन अगर मैं विस्पर करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। जब मैं एकदम धीरे बात करती हूँ तो मैं विस्पर कर रही हूँ। वैसे ही अगर आप आवाज़ की क्वालिटी की बात कर सकते हैं तो आप इमोशन की भी बात कर सकते हैं। हंस रही थी, रो रही थी, खी-खी-खी-खी कर रही थी, खी-खी-खी-खी करने का मतलब है गिगल कर रही थी, या सिसकियां भर रही थी यानी कि सॉब कर रही थी, रोने से पहले जो हम करते हैं ना या फिर रोने के बाद करते हैं। वैसे ही आप बता सकते हो कि किस तरीके से उन्होंने कुछ बोला, बहुत खुशी से बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब अगर आपको ये रिपोर्ट करना हो ना तो आप बोलोगे निधि सेड हैप्पीली कॉन्ग्रेचुलेशंस, या फिर निधि सेड हैप्पीली कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो सामने वाला समझ जाएगा कि मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस जब बोला तो मैंने मुंह सड़ा के नहीं बोला, मैंने खुशी खुशी आपको बोला। तो ये काम होता है रिपोर्टिंग वर्ब्स का। तो यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने उसने कहा उसने पूछा ही डालो, आप ये सब कुछ भी डाल सकते हो, आपके ऊपर है आप कैसी वैरायटी देना चाहते हो। आप जब ये सब डिटेल्स देते हो ना तो सामने वाले के लिए समझना बहुत आसान हो जाता है कि हुआ क्या था, ठीक है। तो अगर आप बोलना चाहते हो आई एम सॉरी, यानी कि किसी और ने बोला आई एम सॉरी और आप वो बोलना चाहते हो और उन्होंने गुस्से में बोला, तो आप हर बार तो ऐसे नहीं बोल पाओगे ना आई एम सॉरी, पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जगह देखनी पड़ती है, माहौल देखना पड़ता है। तो उसके बदले मैं बोल सकती हूँ ही एंग्रीली सेड आई एम सॉरी, ही एंग्रीली सेड इट। तो आप समझ जाओगे कि उसने बड़े गुस्से में बोला और मुझे उसका गुस्सा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हर इमोशन मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी। तो अगर आप कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस करना चाहते हो और आपके पास जगह और माहौल ऐसा है, जैसे आप क्लोज फ्रेंड्स में ही बैठे हैं, कोई क्लोज जगह पे हैं जहाँ पे बहुत लोग नहीं देख रहे, क्योंकि अगर बहुत लोगों के आगे करोगे तो शायद आपको भी थोड़ी शर्म है। हाँ, अगर आप स्टैंड अप हैं तो कर सकते हैं। तो अगर आप ये गुस्सा अपनी आवाज़ से दिखा सको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं दिखा सकते हो तो एंग्रीली यूज़ करना ज़्यादा सेफ है। ये होती है डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच के ना कुछ लिमिटेशंस है, कुछ ड्रॉबैक्स है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो हर बार वर्क नहीं करती है। यानी कि अब जैसे मैं आपको गुस्से में बता रही हूँ कि उसने ऐसे बोला कि आई एम सॉरी, लेकिन आप शायद कंफर्टेबल ना फील करो किसी से ऐसे बात करने में या किसी को कॉपी करने में, हर कोई नहीं करना चाहता है लोगों को मिमिक, तो कई लोगों को ऐसी दिक्कत होती है, इसलिए उन लोगों के लिए डायरेक्ट स्पीच थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यूज़ करना। हाँ, वो ऐसे वर्ब्स यूज़ कर सकते हैं एंग्रीली जैसे या लाफ्ट जैसे कर सकते हैं, लेकिन उससे उनको इतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता जितना लोगों को आवाज़ इमिटेट करने से मिलता है। तो डायरेक्ट स्पीच जो होती है ना, आप ज़्यादा देखोगे ना तो आपको ड्रामास में या प्लेज वगैरह में आपको दिखाई देगी, या कोई स्टैंड अप कर रहा है तो उनके में आपको डायरेक्ट स्पीच दिखाई देगी। तो बेसिकली जब कोई भी कुछ भी परफॉर्म करता है ना तो उनके पास वो स्पेस होता है कि वो किसी को इमिटेट कर सके। नॉर्मल लाइफ में ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते हैं, प्रेफर जो आपने लास्ट क्लास में सीखा था, प्रेफर नहीं करते डायरेक्ट स्पीच को यूज़ करना। तो जब आप ड्रामा में या प्ले में होते हो ना तो वो पूरा नरेशन डायरेक्ट स्पीच में होता है। कोई भी प्ले पढ़ोगे ना तो आपको उसमें दिखेगा डायलॉग ही डायलॉग है, तो फिर नरेशन की ज़रूरत नहीं आती है, वो फिर डायरेक्टली बोलते ही जाते हैं। तो ये तो डायरेक्ट स्पीच के लिमिटेशंस है। तो अभी के लिए इतना ही, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। हाँ, अभी बात ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो मुझे आपके साथ और भी बहुत सारी बातें करनी है इस टॉपिक के बारे में, लेकिन वो अब अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में लेके आ रही हूँ इसी टॉपिक की थोड़ी और नई बातें आपके लिए, इसलिए जल्दी जाके वापस आओ, मैं भी आती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।